और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच सेंचुरियन के इस सुपर स्पोर्ट्स पार्क में आज खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 8 बजे होगा और 8:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। अभी सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। तीसरे टी20 मैच को जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त लेना चाहेंगी। सेंचुरियन में टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 मैच खेला हुआ है। तीसरे टी20 मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी है, लेकिन दूसरे टी20 में जिस तरह की गलती टीम इंडिया ने दिखाई थी उसे सुधारने की जरूरत है। तीसरे टी20 में अगर मौसम की बात करें तो मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। एक्यू वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक सेंचुरियन में शाम में बारिश की संभावना 8%, शाम में आसमान साफ रहेगा। शाम 5 बजे से 11 बजे तक बिल्कुल भी बारिश नहीं, पूरा मैच होने की उम्मीद। वहीं सेंचुरियन में टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड सेंचुरियन में कुछ खास नहीं रहा। भारतीय टीम ने सेंचुरियन के मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच साल 2018 में खेला था, जिसमें अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से मात दी थी। अफ्रीका के लिए उस मैच में हेनरी क्लासन ने 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और साउथ अफ्रीका को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में टीम इंडिया उस हार को भुलाकर इस बार जीत का स्वाद चखना चाहेगी, लेकिन फिर एक बार टीम के सामने हेनरी क्लासन की चुनौती होगी। अब देखना दिलचस्प होगा क्या फिर एक बार हेनरी क्लासन टीम इंडिया को मात दे पाते हैं या नहीं।